हाय दोस्त, कैसे हैं? मैं आपका दोस्त मोहित द्विवेदी। आज मैं एक अबूझा कैंप है जिसके बारे में बताऊंगा। ये मेरे दोस्त अवधेश यादव जी ने पूछा है इसके बारे में, तो मैं आज जरूर बताऊंगा। तो यहाँ तक जब आप आ ही गए हैं तो पूरी वीडियो को जरूर देखिए। हमारे दोस्त अवधेश यादव जी ने जो पूछा था कि क्या अबूझा का जो NX-3200M है वो SPV-4 के स्ट्रेंजर से अच्छा है, उसे ले सकते हैं या नहीं, तो आज की वीडियो उसी पर है। तो ये एम्प भी उससे कहीं कम नहीं है, ये भी वैसा ही है, उससे कहीं ज़्यादा कंफर्ट भी है और टिकाऊ भी है और थोड़ा सा बजट में ज़्यादा है। ये भी 2 ओम पर काम कर सकता है, अच्छा काम करेगा। इस एम्प की RMS पावर है 3200 वाट और 4K की जो RMS पावर है वो होती है 4000 वाट, यानी कि 4000 वाट और ये 3200 वाट थोड़ा सा कम है उससे, बट फिर भी अबूझा का होने के नाते ये बहुत ही अच्छा और शानदार काम करता है। आप इसको 2 ओम पर बहुत ही अच्छे से बजा सकते हैं, ये कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। अब हम इसके RMS स्टूडियो पावर के बारे में बात करते हैं कि ये कितना देता है, कितने वाट पर। 1 ओम पर 700 वाट, 4 ओम पर 1100 वाट एंड 2 ओम पर 1600 वाट दोनों चरण पर देता है। और ब्रिज मोड की बात करें तो 8 ओम पर 2200 वाट और 4 ओम पर 3200 वाट। ये एम 3200 वाट का होने के कारण ये 4 ओम ब्रिज मोड पर 3200 वाट देता है, 3200 वाट देता है और 2 ओम पर स्टूडियो में 16x32 यानी कि 16x1 चरण में 16x2 पे 3200 वाट देता है। तो अब हम बात करते हैं कि इस पे हम 2 ओम पर कितने वाट के और कितने स्पीकर बजा सकते हैं। 2 ओम पर वही 4 यानी कि 1 चरण पे 4 स्पीकर और 2 चरण पे 4 स्पीकर। इसमें हम वही 350 वाट के, चाहे अबूझा के हों या PIDO के, आपके जो मन के हों स्पीकर, आप उन्हें बजा सकते हैं 350 वाट, 350 वाट और 50 वाट HF एक बॉक्स में, और ये बॉक्स बनेगा 750 वाट का एक बॉक्स। अब हम बात करते हैं कि 2 ओम्स पर ये जो 750 वाट के यानी कि एक बॉक्स पड़ा है, ये 2 ओम पर होगा जाकर 1400 वाट के स्पीकर हो गए और 50-50 वाट HF जोड़ने पर हो गया आपका 1500 वाट का कंप्लीट दो बॉक्स एट 2 ओम। 2 ओम पर आपका जो एम्प है वो 1600 वाट RMS पावर देता है और आपके जो स्पीकर के वाटेज हैं वो हैं 1500 वाट, तो आपका स्पीकर एकदम फोर्स और पंच के साथ धमाकेदार बजेगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने मन मुताबिक जो भी स्पीकर चाहें, चाहे अबूझा, चाहे PIDO, IDO, टोन, कोई भी स्पीकर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं 350 वाट के, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4 ओम गुट के बारे में। तो एक बॉक्स में 100 वाट का HF, 500 वाट का एक स्पीकर, 500 वाट का एक स्पीकर, यानी कि सबको जोड़ने पर होगा 1100 वाट। तो आपका जो एम्प 1100 वाट देता है 4 ओम, तो आप ये इतना बजा सकते हैं। अब बात करते हैं 8 ओम्स की। 8 ओम्स पर यह एम्प देता है 700 वाट, तो आप इसमें 18 इंच की दो बेस यूज कर सकते हैं एक एक चैनल पर। एक बेस होगा जो अबूझा का आता है SW-X650 वाट, आप वो भी यूज कर सकते हैं, और अगर चाहे आप मॉनिटर में तो एक 15 इंच के मॉनिटर में 3.26 PIDO का जो स्पीकर आता है 600 वाट और प्लस 100 वाट का HF यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी रेंज के बारे में। 20 से लेकर 20000 हर्ट्ज़ तक फ्रिक्वेंसी रेंज है, डंपिंग फैक्टर 400 है और इसका जो वेट है यानी कि नेट वेट, इसका वजन है 33 kg। अब हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। इसका मार्केट प्राइस 36,400 रुपये होता है, आप अपने मार्केट में देख सकते हैं कैसा है। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, और आप बताइए कि आपको वीडियो किस पर्पज़ पर चाहिए। धन्यवाद। जहाँ तक जानकारी इकट्ठा करना